नमस्कार। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सेक्शन नंबर 65A की। सेक्शन 65A जो कि 1929 के अमेंडमेंट से आया है, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत यह थी कि क्या मॉर्गेजर के पास मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो उसने मॉर्गेज की है किसी व्यक्ति को, क्या वो उसी प्रॉपर्टी को वो लीज कर सकता है? इस बात को समाधान करना जरूरी था। अब यहां इस लेक्चर में देखेंगे कि सबसे पहले 1929 के पहले पोजीशन क्या थी और वहां पर दो कैटेगरी में आप मॉर्गेज को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश मॉर्गेज की बात करेंगे और इंग्लिश मॉर्गेज के अलावा दूसरे मॉर्गेजेस में क्या प्रोविजन चल रहे थे। यहां दो व्यूज निकल के आते हैं, दो कंफ्लिक्टिंग व्यूज होते हैं। एक व्यू का कहना है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी को लीज करने का मॉर्गेजर के पास कोई पावर नहीं है। दूसरे व्यू का कहना था कि वो कर सकते हैं अगर मॉर्गेजी को जो इंटरेस्ट दिया गया है, मॉर्गेजी को जो सिक्योरिटी दी गई है, उस पर अगर डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं आता तो वो ऐसा कर सकते हैं, मॉर्गेजर ऐसा कर सकता है। 1929 में अमेंडमेंट किया गया और मॉर्गेजर्स राइट टू लीज को इस्टैब्लिश किया गया। अब यहां पर क्या मतलब है इसको देखेंगे कि मॉर्गेजर के पास पावर होता है लीज करने का, इसका मतलब क्या है। मॉर्गेजर इस पावर का इस्तेमाल तभी कर सकेगा जब दो रिक्वायरमेंट्स, दो एसेंशियल वो पूरी करेगा। कौन कौन सी? पहला है कि जो लीज किया जाए वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में होना चाहिए, मतलब अनयूजुअल नेचर का नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उसे लॉ एंड कस्टम यूजेस जो है उसको फॉलो करते हुए किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है इसकी चर्चा करेंगे। फिर बात उठेगी कि आखिर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, किस चीज का बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द लीज विच इज मेड बाय द मॉर्गेजर इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन सच ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनेजमेंट द लॉ एंड कस्टम और यूजेस हैज बीन फॉलोड। आखिर इसकी बर्डन कौन बियर करेगा। इसके बाद आएंगे कुछ और रिक्वायरमेंट्स की बात की जाएगी कि कोई एडवांस रेंट नहीं लिया जाएगा, किसी तरह का प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, किसी तरह के रिन्यूअल का प्रोविजन नहीं होगा। अगर रिन्यूअल का प्रोविजन होगा भी तो मॉर्गेजी उससे बाउंड नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे कि आखिर लीज के जो लीज मॉर्गेजर कर रहा है, मान लीजिए आज लीज करता है सितंबर में और कर देता है कि इफेक्ट होगा आज से 10 साल बाद, तो क्या वो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। और सबसे बाद में कि अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी कोई बिल्डिंग होगी तो मैक्सिमम वहां कितने साल तक का लीज अलाउ किया गया है सेक्शन नंबर 65A। एक बात ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो भी ये प्रोविजंस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, इन सारे प्रोविजंस में एक कैप्शन अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। अगर पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मॉर्गेजर के पास कोई कैपेसिटी नहीं होगी तो मॉर्गेजर किसी भी तरह से सेक्शन 65A की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 65A, मॉर्गेजर पावर टू लीज। अब देखिए 1929 में अमेंडमेंट किया गया इसके पहले की पोजीशन जो थी वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी थी और कंफ्यूजिंग थी। कारण इसका ये था कि अलग अलग मॉर्गेजेस के केस में कोर्ट्स का जो रुख था वो अलग अलग था। अब जैसे अगर आप इंग्लिश मॉर्गेज की बात करें, इंग्लैंड में जो इंग्लिश मॉर्गेज की बात की जाए, तो इंग्लिश मॉर्गेज में ये माना जाता था कि मॉर्गेजर की ओर से टोटल कन्वेनेंस दे दी जाती है, टोटल ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है मॉर्गेजी के पास, तो वहां मॉर्गेजर के पास कुछ बचता ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट उसके पास रहता ही नहीं है जिसको कि वो अब लीज में ट्रांसफर कर सके। तो इंग्लिश मॉर्गेज का सीधा सीधा मानना था कि मॉर्गेजर डिडंट कैरी एनी राइट एंड कैपेसिटी टू लीज सच प्रॉपर्टी विच ही हैज ऑलरेडी मॉर्गेज। अब उसकी ओर उसके अलावा जो दूसरे मॉर्गेजेस थे, कौन कौन से, अब इंग्लिश मॉर्गेज को हटा दीजिए, टाइटल डी सरेंडर मॉर्गेज है, नामोलस मॉर्गेज है, उसके बाद आपका कंडीशनल सेल मॉर्गेज है, यूयू फैक्ट्री मॉर्गेज है, सिंपल मॉर्गेज है, जो भी आप अलग से मॉर्गेज देख रहे हैं,
इन मॉर्गेजेस के केस में यह माना जाता था कि मॉर्गेजर के पास लीज करने का पावर है अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स में लीज कर रहा है, और अगर उस लीज से मॉर्गेजी को जो सिक्योरिटी दी गई है प्रॉपर्टी पर उस पर कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो मॉर्गेजर लीज प्रॉपर्टी का कर सकता है। यह माना जाता रहा 1929 के पहले, यह कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन बनी रहती थी। अब आइए, अब यहां पर जो टू कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज की बात है वो यही है कि सेम पैटर्न को जब आप भारत में देखते हैं तो भारत में भी कोर्ट्स का यह मानना था, कुछ कोर्ट्स ने यह माना कि मॉर्गेजर का मतलब है कि उन्होंने लोन लिया है और अपनी प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी वो दे चुके हैं तो उस प्रॉपर्टी को वो लीज नहीं कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ कोर्ट्स का यह मानना था कि अगर मॉर्गेजी के इंटरेस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसकी सिक्योरिटी पे कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं आ रहा तो मॉर्गेजर को लीज करने का पावर दिया जाना चाहिए। अब इस सारे कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस को समाप्त किया गया 1929 में अमेंडमेंट करके, और अमेंडमेंट करके एक सेक्शन लगाई गई जिसका नाम आया सेक्शन 65A। नाम से ही क्लियर एक अमेंडमेंट से आई है, तो किस ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो 1929 के अमेंडमेंट से आई। अब इसमें आ जाइए कि आखिर कहता क्या क्या है 1929 का अमेंडमेंट। पहली चीज कहता है कि मॉर्गेजर हैव द राइट, मतलब एक तरीके से कहिए कि मॉर्गेजर को एक और रेमेडी दी गई, क्योंकि लोन उन्होंने लिया है उस लोन को चुकाना है और हम ये जानते हैं कि प्रॉपर्टी का ओनर मॉर्गेजर ही है, मॉर्गेजर है तभी वो ओनर है तभी वो मॉर्गेज कर रहा है, तो अगर वो उस प्रॉपर्टी को लीज कर दे, अगर उस प्रॉपर्टी को वो लीज कर दे और वहां से जो रेंट आए उससे भी वो लोन चुका सकता है, तो सेक्शन 65A जो है एक तरीके से उसको ये राइट प्रोवाइड करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को लीज कर सकता है जिस प्रॉपर्टी को उसने मॉर्गेज किया। अब आइए, लेकिन यहां इतना कह लीजिए कि ब्लैंकेट तरीके से नहीं दिया गया है, इसमें दो रिक्वायरमेंट्स की डिमांड की गई है जिसे मॉर्गेजर को पूरा करना होगा। पहला, ये जो लीज लिया जाएगा ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि देखिए अनयूजुअल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। अनयूजुअल प्रैक्टिस का मतलब आपने क्या किया, आपने 50 साल के लिए प्रॉपर्टी को लीज कर दिया, ये अनयूजुअल है। क्यों ऐसा किया आपने? जिससे कि मॉर्गेजी का जो इंटरेस्ट है सिक्योरिटी वाला वो अफेक्टेड हो जाए, वो उतने साल तक बैठा रहे। तो यहां पहली रिक्वायरमेंट कहते हैं कि जो आप लीज कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनेजमेंट में होना चाहिए, और दूसरा साथ ही में देखिएगा ये अल्टरनेटिव नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रिक्वायरमेंट साथ साथ पूरी करनी होंगी, कंकरेंट चलेंगी, इसको और करके मत इस्तेमाल कीजिएगा अदरवाइज ये पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, एंड ये जो आप लीज करेंगे ये लॉ कस्टम और यूजेस के इंप्लीमेंट में होना चाहिए, उसके कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए, उसको फॉलो करते हुए होना चाहिए। दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने पर ही मॉर्गेजर के पास पावर होगा कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को लीज कर सकते हैं। क्या कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हैं? तो जी हां, रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब सबसे पहले आते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके सर पे होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब समझिए, बर्डन ऑफ प्रूफ कहने का मतलब कि कल मॉर्गेजी क्या करेगा, इस लीज को चैलेंज करेगा। तो जब इस लीज को चैलेंज किया जाएगा तो कौन इविडेंस पेश करेगा? क्या मॉर्गेजर इविडेंस पेश करेगा? आंसर है नहीं, मॉर्गेजर के ऊपर लायबिलिटी नहीं दी गई है। तो आखिर लायबिलिटी दी किसके ऊपर गई है? लायबिलिटी दी गई है ऑन लीजी। बर्डन ऑफ प्रूफ की जो लायबिलिटी है वो लीजी के ऊपर है। अब लीजी क्या साबित करेगा? लीजी इन दोनों रिक्वायरमेंट के इविडेंस को फुलफिल करेगा कि ये जो लीज किया गया ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है और इसमें लॉ कस्टम और यूजेस को पूरी तरह फॉलो किया गया है, इसकी लायबिलिटी लीजी के सर पे डाल दी गई। अब आइए, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जहां मॉर्गेजर लीज करेगा वहां किसी तरह का एडवांस रेंट नहीं लिया जाएगा। क्यों? अब मॉर्गेजर साहब बड़े चालाक आदमी निकले, उन्होंने 20 साल का रेंट एडवांस ले लिया, थोड़ा रेंट रिड्यूस कर दिया और रेंट रिड्यूस करके उन्होंने 20 साल 50 साल 100 साल का रेंट ले लिया एडवांस।
अब जब तक वो एडवांस उनका कवर नहीं होगा तब तक क्या मॉर्गेजी बैठा रहेगा उस बेचारे, वो बेचारा लोन देके भी फंस गया और प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी लेकर भी उसको कुछ नहीं मिला। तो इसलिए यहां रूल बनाया गया कि कोई एडवांस रेंट नहीं लिया जाएगा, किसी तरह का प्रीमियम का पेमेंट नहीं होगा। आप लीज में जानते हैं कि जो पैसा एकमुश्त शुरुआत में दिया जाता है उसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो यहां कहता है कि कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, ये एम्बुलेंस साहब निकल जाए। अच्छा, कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कहता है जो मॉर्गेजर के पास जो पावर होगा लीज करने का, इसमें रिन्यूअल करने का कोई पावर नहीं होगा। रिन्यूअल करने का उस लीज में आप कोई प्रोविजन नहीं डालेंगे। क्यों ऐसा? अब मान लीजिए कि आप अगर रिन्यूअल करने का प्रोविजन उसमें डाल देंगे तो फिर से मॉर्गेजी का जो इंटरेस्ट है वो क्या कर जाएगा? डिफर कर जाएगा। तो इस कारण से याद रखिएगा कि हमें मॉर्गेजी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। हम सिर्फ मॉर्गेजर के इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। तो मॉर्गेजी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 65 में साफ साफ लिखता है कि मॉर्गेजर जो लीज करेगा उसमें रिन्यूअल का प्रोविजन नहीं होगा। फिर भी आप नहीं मानते हैं। अगर आपने रिन्यूअल का प्रोविजन डाल भी दिया है तो उस रिन्यूअल के प्रोविजन से मॉर्गेजी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉर्गेजी की सिक्योरिटी जैसे वो चाहे, अगर वो आप कहते हैं कि सेल के पावर का इस्तेमाल कराना चाहता है, फोरक्लोजर के राइट का इस्तेमाल करना चाहता है, वो कर सकेंगे। उस पर कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं माना जाएगा। आगे आइए, नेक्स्ट कहता है कि आखिर ये लीज किस दिन से अफेक्टेड मानी जाएगी। देखिए, ये सारी चालाकियां हैं जो लोग करते हैं। पता चला कि आज सितंबर के महीने में, सितंबर 2021 में मॉर्गेजर है, मान लीजिए मैं ही मॉर्गेजर हूं, मैंने लोन लिया प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके और इसी प्रॉपर्टी को मैंने लीज कर दिया क्योंकि मुझे पावर मिलता है सेक्शन 65 में, और मैंने प्रोविजन डाल दिया कि ये लीज जो होगी अफेक्टेड होगी दिसंबर 2029 से। अब देखिए, अब दिसंबर 2029 से मैंने क्या किया, अफेक्टेड कर दिया। मॉर्गेजी को मैंने कहा था कि मैं लोन चुकाऊंगा जनवरी 2030 में, तो जब उस बेचारे को अपना लोन नहीं मिलेगा, वो आगे की ओर क्लेम करेगा, चाहे फोरक्लोजर के लिए जाए या सेल के लिए जाए, और मैंने क्या खड़ा कर दिया, एक और लॉ के प्रोविजन का इस्तेमाल करके दिसंबर 2029 से 30 साल के लिए मैंने प्रॉपर्टी को लीज कर दिया। तो क्या ऐसा कर सकता हूं? सेक्शन 65 ए कहेगा ऐसा नहीं कर सकते आप। यहां लीज को अफेक्टेड होने की, लीज को स्टार्ट होने की जो डेट होगी वो लीज होने की तारीख से 6 महीने से ज्यादा देर से नहीं हो सकती। मतलब अगर सितंबर में मैं लीज कर रहा हूं तो सितंबर से आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 के बाद अगर मैंने डाला है कि लीज अफेक्टेड होगी तो वो नहीं मानी जाएगी। 6 महीने ही मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, जिस दिन लीज बनाएंगे और उसके अफेक्टेड होने की तारीख में 6 महीने का गैप ही आप रख सकते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। लास्ट पॉइंट आता है कि जहां मॉर्गेज प्रॉपर्टी एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग है तो उसको कितने साल तक के लिए आप लीज कर सकते हैं, कितने दिनों के लिए लीज कर सकते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 3 ईयर्स। अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी एक बिल्डिंग है और मॉर्गेजर उस बिल्डिंग को लीज पे देना चाहता है तो मैक्सिमम 3 साल के लिए ही वो लीज दे सकते हैं, इससे ज्यादा के लिए लीज उनकी अफेक्टेड नहीं मानी जाएगी। तो इतनी बातें हैं सेक्शन 65 ए में, 1929 के अमेंडमेंट से आए हुए इस सेक्शन में, जो डिस्कस करता है कि क्या मॉर्गेजर को मॉर्गेज प्रॉपर्टी का लीज करने का पावर है। तो यहां पर आप चर्चा करेंगे कि 1929 के पहले क्या है, इसके बाद इंग्लिश मॉर्गेज में क्या प्रोविजंस यूज कर रही थी इंग्लैंड की कोर्ट, दूसरे मॉर्गेज में क्या हो रहा था, भारत में क्या चर्चा उठी, 1929 में लॉ क्या बना और लॉ के मेन एसेंशियल्स क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएंगी सेक्शन 65 ए में। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको समझने में बिल्कुल क्लियर हो। अब इसी तरह का एक और अमेंडमेंट लेकर के अगले लेक्चर में आपके सामने आऊंगा, वो है सेक्शन नंबर 69 ए, जो ये डिस्कस करता है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर क्या रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है।
अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑफ ऑर्डर 40 सीपीसी में पढ़ते हैं। अब यहां बात उठती है कि क्या मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज इनकम के लिए क्या आप रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं, और करेंगे तो क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उस रिसीवर के पास क्या पावर होगा, वो कैसे काम करेंगे, इन सारी चीजों की चर्चा अगले लेक्चर में आपके सामने करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।